हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ बता देते हैं। मैंने टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है, जिससे कि अगर किसी को कोई क्वेरी है तो उस ग्रुप में ऐड होके वहाँ पे पूछ सकते हैं और वहाँ पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा टेलीग्राम ग्रुप भी क्रिएट कर लेते हैं। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट थ्री, जो कि हम CSS सेलेक्टर जो हम पढ़ रहे हैं दो वीडियोस से, तो उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले में मैंने कॉम्बिनेटर सेलेक्टर की बात करी थी, और आज हम बात करेंगे थर्ड वन की, जो कि हमारा CSS सूडो क्लास था। तो आज हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो CSS सूडो क्लास क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं? दिस इज़ यूज टू डिफाइन अ स्पेशल स्टेट ऑफ अ एलिमेंट, राइट? तो कुछ जैसे कि अगर हमारा यूज़र माउस होवर कर रहा है, या फिर हमारी विजिटेड अनविजिटेड लिंक होती है, जैसे आप देखते हैं क्लिक हियर, उस पर आप क्लिक कर देते हैं तो उसका कुछ और कलर आ जाता है। तो कुछ उस तरह से अगर आपको CSS देनी, या फिर आप किसी पे क्लिक करते हैं, मतलब वो फोकस कंडीशन में होता है, तो उस पर अगर आपको कोई CSS देनी है, तो ये कुछ केसेस होते हैं। अगर इसमें अगर हमें CSS देनी है, तो वो सब हमारा आता है सूडो क्लासेस के अंदर। तो हमारा जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सिलेक्टर, हम यहाँ पे सिलेक्टर का नाम, जो भी जैसे एलिमेंट जो भी सिलेक्टर का होगा या क्लास है जो भी होगी वो लिखेंगे, फिर हमारा कोलन, फिर सूडो क्लास, जो भी हम सूडो क्लास यूज़ कर रहे हैं, लाइक एक्टिव यूज़ कर रहे हैं कि होवर यूज़ कर रहे हैं कि फर्स्ट चाइल्ड यूज़ कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे नाम लिखेंगे सूडो क्लास पे। फिर एज यूजुअल हमारा कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके अंदर सारे डिक्लरेशन होगी, दैट मीन्स प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, और जो भी आपको जितनी भी प्रॉपर्टी जितनी भी वैल्यू आपको देनी है वो आप उसमें दे सकते हैं। तो ये होता है हमारा सिंटैक्स। तो अगर हम बात करें एंकर सूडो क्लासेस की, तो एंकर सूडो क्लासेस जैसे कि अगर हमें एंकर हमारी लिंक है तो उस पर हमें देना है कलर कोई लिंक पे, तो वो हमारा कलर हम दे देंगे। एंकर हमारा विजिटेड है, मतलब किसी ने क्लिक कर दिया है, तो उस पर हमें कलर चेंज करना है तो हम उस पर दे सकते हैं। अगर एंकर पे कोई होवर करता है तो हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं, और एंकर अगर हमारा एक्टिव कंडीशन में है तो हम उसका कलर दे सकते हैं। तो ये सारी कुछ कंडीशन होती हैं जो कि हम एंकर पे लगा सकते हैं। फिर अगर हम बात करें होवर पे, जैसे कि अगर हमारा कोई डिव है, एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, तो उस पर अगर हमें होवर पे कुछ CSS देना है, इवन होवर पे लोग टूल टिप क्रिएट करते हैं, या होवर पे कोई कंटेंट दिखाते हैं, या होवर पे उसका कलर चेंज करते हैं, तो जो भी हम होवर पे CSS जो भी लगाना चाहें तो हम ईजिली वहाँ पर लगा सकते हैं कोई भी एलिमेंट पे। फिर हमारा आता है फर्स्ट चाइल्ड, ये सूडो क्लासेस होती हैं, तो जैसे अगर हमें फर्स्ट चाइल्ड पे लगाना है, फर्स्ट चाइल्ड, nth चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, तो ये बहुत सारे केसेस होते हैं। इसका हम सेपरेट वीडियो क्रिएट करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो अभी आपको बेसिक के लिए हम बस बता देते हैं कि जैसे कि अगर हमारा कोई फर्स्ट एलिमेंट इनहेरिट करना है, आपके चार कोई एलिमेंट है उसमें से अगर आपको फर्स्ट वाले पे लगाना है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड करके लगा सकते हैं। अगर उसी के लास्ट वाले पे लगाना है तो लास्ट चाइल्ड करके आप उस पर CSS लगा सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिनका आप यूज़ करके उन पर CSS लगा सकते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरीज होती है आपकी तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के पार्ट फोर के साथ। तो तब तक के लिए ऐसे ही खुश रहें, सीखते रहें। बाय बाय, टेक केयर।